नकली पुलिसकर्मी बनकर बैंक से पैसा ले जा रहे किसानों के साथ लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को खंडवा पुलिस ने किया गिरफ्तार। फरियादी अरमान खान पिता इस्माइल खान निवासी ग्राम लोहारदा थाना कोटाभोर जिला देवास अपने मामा के घर शादी में हरसूद आया था, जो शादी के बाद अपने भाई यासीन के साथ अपनी मोटरसाइकिल एमपी 41 से मिट्टी 7325 से अपनी नानी को छोड़ने खालवा गया था। शाम को अरमान व यासीन दोनों उसी मोटरसाइकिल से वापस हरसूद आ रहे थे। रात करीब 8:30 बजे जब आशापुर फॉरेस्ट डिपी के आगे लघु शंका के लिए रुके, तभी आशापुर तरफ से एक मोटरसाइकिल पर चार लड़के आए और अरमान व यासीन से बोले कि तुम्हारी मोटरसाइकिल पर पीछे नंबर नहीं लिखा है, हम पुलिस वाले हैं, हमारे साथ थाने चलो। उसके बाद वे चारों अरमान की मोटरसाइकिल तथा अरमान व यासीन के मोबाइल लूटकर हरदा रोड तरफ भाग गए। फरियादी अरमान की रिपोर्ट पर थाना हरसूद में अपराध क्रम 81 धारा 392 भादवी का अपराध अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया। घटना के अनुसंधान के दौरान कुछ मोबाइल नंबर संदिग्ध पाए गए। जब इन नंबरों की पड़ताल की गई तो वे हरिओम विश्नोई पिता राम अवतार निवासी ग्राम रुंजुन थाना छिपावर जिला हरदा तथा रोहित विश्नोई पिता दिनेश निवासी ग्राम बूंदड़ा थाना कोतवाली जिला हरदा के होना पाया गए। इन दोनों संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पहले दोनों ने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, परंतु जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने साथी नरेंद्र विश्नोई पिता रविशंकर निवासी ग्राम खलमाय थाना छिपावर जिला हरदा तथा राम सिंह उर्फ गोलू पिता भीम सिंह निवासी ग्राम रुंजुन थाना छिपावर जिला हरदा के साथ घटना को अंजाम देना कबूल किया। घटना के बाद फरियादी से लूटी हुई मोटरसाइकिल आरोपी हरिओम ने ग्राम रुंजुन स्थित अपने घर में छुपाकर रखी थी तथा फरियादियों के मोबाइल आरोपी नरेंद्र व रोहित के पास थे। घटना में लूटी गई मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स एमपी 41 एमपी 7325 तथा एक वीवो वाई 15 मोबाइल व एक सैमसंग कीपैड मोबाइल तथा उनकी सिम आरोपियों से पुलिस द्वारा जब्त कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी हरिओम विश्नोई, रोहित विश्नोई, नरेंद्र विश्नोई तथा राम सिंह के द्वारा दिनांक 7 जून 2019 को थाना हरसूद क्षेत्र अंतर्गत घोड़ा पछाड़ नदी के पुल के पास एक मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों से भी 40,000 रुपए की लूट करना स्वीकार किया गया है। दिनांक 7 जून 2019 को फरियादी शंकर लाल पिता मुनालाल यादव उम्र 65 साल निवासी ग्राम कस्यावद थाना हरसूद अपने साथी राकेश कीर के साथ बैंक ऑफ इंडिया की छनेरा शाखा से 40,000 रुपया आहरित कर एक अपनी मोटरसाइकिल से अपने घर कस्यावद जा रहे थे, तब रास्ते में घोड़ा पछाड़ नदी पुल के पास एक मोटरसाइकिल से आए अज्ञात आरोपियों ने उनसे मारपीट कर इरादा धमका कर 40,000 रुपए लूट लिए थे और ग्राम बोरी बादामी के रास्ते हरदा रोड होते हुए भाग गए थे। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना हरसूद से अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपहरण 242-19 धारा 392 भादवी का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। उक्त प्रकरण में भी पुलिस द्वारा आरोपी हरिओम विश्नोई, रोहित विश्नोई, नरेंद्र देखिए 12 तारीख की रात को 12 फरवरी की रात को दो युवक अपने घर वापस लौट रहे थे तो चार युवकों ने उनका पीछा किया, पीछा करके उनको रोका और रोक के उनके पास जो कैश था वो मोटरसाइकिल और उनके मोबाइल फ़ोन लूट कर ले गए थे। आज हरसूद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके उनसे जो सामग्री लूट कर ले गए थे वो और पुरानी घटनाओं में 40,000 रुपये लूट कर ले गए थे वो और उनके पास से अन्य सामग्री बरामद की है। इनसे पूछताछ की जा रही है। ये लोग बेसिकली अपने आप को पुलिसकर्मी बताते थे और पुलिसकर्मी बताकर रोक लेते थे किसी को जो पैसा लेकर जा रहा है, जो आदमी रात को ट्रैवल कर रहे होते थे, और उनसे फिर लूट की घटना को कारित करके वहाँ से फरार हो जाते थे। तो अपने आप को पुलिसकर्मी बताकर इन्होंने लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है और इनको पीआर पर लेकर इनसे और पूछताछ की जाएगी।